मजीद जिसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है या जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है वो तो कॉम्पनसेशन नीड्स uh, टू uh, बी इम्प्रूवड अगरचे गवर्नमेंट में कुछ सैलरीज पहले से बेहतर हुई हैं लेकिन दे आर ईटन अप बाय इन्फ्लेशन ये भी एक पहलू है या प्राइस नीचे लेकर आए या कॉम्पेशन को जो है वो बेहतर किया जाए बहुत सी गवर्नमेंट्स लाइक डेवलप्ड कंट्रीज एंड आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ यू के यू के इज इकॉनमी वॉज नॉट ग्रोइंग सो गवर्नमेंट डिसाइडेड दट दैलरीज ऑफ द इम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉज विल भी फ्रीजड और तीन साल के लिए नो इनक्रीज इन कॉम्पेंसेशन यूके जैसे मुल्क ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स की कॉम्पेंसेशन को अगले तीन सालों में उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा सो so, अगर वो मुल्क इस तरह से कर सकते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि प्राइस अगर कम होंगी तो कॉम्पेंशेशन को अगर आप इंक्रीज ना भी करें लेकिन प्राइस कंट्रोल्स बेहतर होंगे या प्राइस मैकेजम्स जो हैं उसको प्राइस कॉमन कमोडिटीज की रिड्यूस होंगी या इन्फ्लेशन कम होगी तो कॉम्पेंशेसन अगर आप नहीं भी इंक्रीज करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉम्पेंसेशन हर साल बेहतर करती है बट ग्रीड हैज ऑल्सो इंक्रीज और इसकी मिसाल हमें इसकी वजह यू भी नज़र आती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है लोगों की जरूरतियात पूरी नहीं होती तो ग्रीड का पहलू भी है करप्शन वॉट हैज़ ऑल्सो इनक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज करप्शन नो वर्क इन द गवर्नमेंट बहुत मुश्किल होता है कि कोई काम भी आप सिफारिश के बगैर या पैसा दिए बगैर करा सकें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट भी है जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो लोग जो अपना ज़ाती कारोबार करते हैं बिरोक्रेसी में या कहीं और फिर वो अपने एक अदारे में के हेड होते हैं या काम उस अदारे में सरकारी अदारे में काम भी करते हैं तो बिजनेस भी चल रहा है और तो ये कॉन्फ्लिक्ट इफ़ इंटरेस्ट है इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की या मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा सरकारी ऑफिशियल जो है किसी लेवल पे भी है उसको कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए तीसरी चीज़ है क्लूजन क्लूजन भी बहुत देखने में आए यानी दो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं टू डू ए रॉन्ग थिंग सो इक्लूजन एंड विच इनक्रीज ऑल दीज थिंग्स करप्शन ऑफ इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टलूजन दे इंक्रीज इन एफिशेंसी एंड दिस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड और uh, इसमें सिर्फ आप मॉरल स्वेजन से काम नहीं ले सकते इसके लिए इंस्टीट्यूट करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशनल मैकेजम्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप uh, इन तमाम चीज़ों को इन एफिशेंसीज को रिड्यूस करें Uh, इसके लिए ज़रूरी है कि देर नीड टू बी गुड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विच शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और अकाउंटेबिलिटी मैकेजम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं आई थिंक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साइमल्टेनियसली होने चाहिए ताकि लोगों को एक uh, uh, सही डायरेक्शन में रख के ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है उसको बेहतर किया जा सके